के लिए हमें किस सामान की आवश्यकता होती है, उसको कप क्विल्ट कैसे किया जाता है और उसमें जिप और रनर कैसे लगाए जाते हैं, इस सब की जानकारी आपको मेरे इन चारों वीडियो में मिल जाएगी। पहला है रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग बैग्स, दूसरा है DIY हाउ टू क्विल्ट, तीसरा है DIY बेसिक्स ऑफ क्विल्टिंग विथ पेंसिल पाउच, चौथा है स्पीडक्राफ्ट DIY जिप रनर ट्यूटोरियल। तो आप इन चारों को पहले देख लें, उसके बाद बैग बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेके आई हूँ और वो है हमारा स्कूल बैग पैक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने सामने दो पॉकेट दी हैं, कुछ इस तरह से हैं ये दोनों पॉकेट। एक पॉकेट हमने यहाँ पर दी है, ये पूरी हमारी खुलेगी इस तरह से फ्रंट में आएगी, और एक पॉकेट हमारी यहाँ पर है जो ऊपर से पूरी ओपन होगी और अंदर से ये पूरा इस तरह से बैग होगा। और इसमें हमने आज हमारा बॉटल रखने का जो स्पेस होता है, वो बॉटल के लिए हमने अलग से बॉटल पूरा कवर ही दिया है, जो 2-in-1 केस की तरह काम करेगा। पहली बात तो ये हमारी बॉटल रखने के काम आएगी। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने खोला, ये हमारी पूरी बॉटल आ गई बाहर, इसको हमने बंद कर दिया और इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बनाया है। और इस बॉटल केस में सामने भी हमने एक पॉकेट दी है, पीछे डिटैचबल हुक दिया है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बॉटल अलग से दी है तो ये इसको कैरी करने में दिक्कत होगी, कैरी करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जो डिटैचबल है हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लगा देना है और फिर बैक साइड से इस तरह से इसको कैरी करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैकपैक बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 11x16 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 11x16 इंच का 1 पीस क्लॉथ, 12x14 इंच के 2 पीस क्लॉथ, 5x27 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 5x22 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 5x7 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 2x24 इंच का 2 पीस क्विल्टेड, जिप 22 इंच 1 पीस, 16 इंच 1 पीस, 5 इंच 2 पीस, रनर 8, बेल्ट 16 इंच 2 पीस, 5 इंच 2 पीस, 9 इंच 1 पीस, डी लूप 3, बक्कल 2, थिक फोम 4x14 इंच 2 एंड पाइपिंग। वाटर बॉटल के लिए सामान चाहिए 9x13 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 3x10 इंच का 1 पीस क्विल्टेड, 3x3 का 1 पीस क्विल्टेड, 13x13 के 2 पीस क्विल्टेड, 10x10 का 1 पीस क्लॉथ, इलास्टिक 5 इंच, सिप 10 इंच 1, रनर 2, डिटैचबल हुक 1, बेल्ट 5 इंच एंड पाइपिंग। सबसे पहले हम तैयारी शुरू करेंगे 5x7 के दोनों क्विल्टेड पीस और 5 इंच की जिप से। तो इसमें हमें यहाँ पर 1 इंच डाउन जाकर, ये 1 इंच डाउन जाएंगे और इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद ये जो जिप है हमारी, इसको यहाँ पर हम इस तरह से सीधा रखेंगे उल्टे पीस पर और इस पर हम पाइपिंग लगा देंगे। जिप बाहर निकालते हुए पाइपिंग पर फिनिशिंग, फिर यहाँ पाइपिंग को हम अंदर मोड़ के इस तरह से सिल। सेम प्रोसीजर कटे हुए पीस पर करेंगे। अब रनर डालेंगे, रनर डालने के बाद 24 इंच का जो पीस लिया था हमने 2x24 इंच का, उसको लेंगे और जो ये पीस है हमारा, इसके यहाँ बॉटम से इसको हम इस तरह से लगाएंगे। तो थोड़ा सा 1/2 इंच करीब छोड़ देंगे सेंटर लेते हुए
और चारों तरफ सिल देंगे। अब यहाँ सेंटर पे पहुँच के ये हमारा पीस बढ़ा हुआ है, हमेशा बढ़ा के ही लेना चाहिए। और अब इसको हम यहाँ पर बराबर से रखते हुए इसको सिल देंगे और जितना एक्स्ट्रा होगा फिर बाद में काट देंगे। इस तरह से ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई। अब इसमें हमें जो 24 इंच की जो हमने इसमें क्विल्टेड पीस लगाया है, अब इसमें हमें पाइपिंग लगाना है। चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे हम। और ये हमारी पॉकेट इस तरह से तैयार हो गई और ये हमारी दोनों पॉकेट इस तरह से तैयार है। अब हम लेंगे 11x16 इंच का पीस। ये हमारा 11 है, ये हमारा 16 है और ये हमारी 16 इंच की जिप है। अब इसको हम 5.5 पर बीच में निशान लगाएंगे। आप देख रहे हैं निशान लगा हुआ है, ये 5.5 पर पूरा निशान है। इसको अब हम कट करेंगे, पूरा कट कर देंगे और इसमें भी उसी पैटर्न पर जिप लगाएंगे। इस तरह से पाइपिंग और जिप लग जाने के बाद जो नीचे का हिस्सा रहेगा वहाँ से हम यहाँ पर केवल एक रनर डालेंगे। इस तरह से रनर डालने के बाद जिधर रनर जा रहा है ऊपर वहाँ पर हम 5 इंच के लूप में एक डी लूप फंसा करके इस तरह से इसको हमने सिल दिया है और यहाँ सेंटर पे जिप पर रखते हुए सेंटर पे इसको हम सिल देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। और ये जो पॉकेट हमने बनाई थी इसको हमें यहाँ सामने लगाना है। तो यहाँ पर अब हमें, अब चूंकि हमारी जो पॉकेट थी वो 5x7 की थी तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे और 7 इंच इधर से निशान लगाएंगे। दोनों साइड में हमें इस तरह से निशान लगाना होगा। और ये जो पॉकेट है हमारी, इस पॉकेट को ये जिप ऊपर जाएगी, ये लूप ऊपर रहेगा और इसकी जिप भी ऊपर ही रहेगी। और इस तरह से आपके सामने मैं करती हूँ। और ये जो इसका कॉर्नर है इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे, सारे कॉर्नर पे हम निशान लगा लेंगे तरह से।
ये हमने निशान लगा दिए। और ये जो पॉकेट है हमारी, अब इसको हमें यहाँ पर एडजस्ट करते हुए सिलना होगा। ये 7 इंच का एरिया जो हमने निकाला था, इस कॉर्नर से इसको यहाँ तक सिलेंगे पूरा। इस पाइपिंग के ऊपर से हमें मशीन चलानी होगी। जो 7 इंच का निशान नीचे लगाया है वहाँ से मशीन स्टार्ट करेंगे कॉर्नर पे निशान लगाते हुए। और ये जो कॉर्नर आ रहा है इसको यहाँ तक पूरा सिल देंगे। एक एक हिस्सा करके हमें इसको यहाँ पर जोड़ना होगा। और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम यहाँ से करीब 1/2 इंच अंदर करते हुए इसको यहाँ पर सिलेंगे। अब ये जो नीचे का 5 इंच का एरिया है इसको यहाँ पे हल्का सा बढ़ेगा, उसको यहीं पर एडजस्ट कर देना है। अब वापस उसी सिलाई पर चलते हुए ताकि मजबूत हो जाए ऊपर आ जाएंगे। और इस 5 को भी अब हम एडजस्ट करके जोड़ देंगे। और इस तरह ये हमारी एक पॉकेट देखिए कितने खूबसूरती के साथ जुड़ गई है। और इसी तरह से सेम इसको भी अब हम जोड़ेंगे। और ये हमारी दोनों पॉकेट कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो हमारे पास 11x16 इंच का पीस है, जो 1 पीस क्लोथ मैंने बताया था, उसको हम इसके बैक साइड में जोड़ देंगे। ये बैक साइड की लाइनिंग जोड़ने के बाद अब हम लेंगे जो हमारे पास 5x22 इंच का पीस है उसको, और उसको भी एकदम 2.5 पर निशान लगा के पूरा इस तरह से कट करेंगे और इसमें जिप लगा देंगे। इस तरह से ये सिर्फ हमने 22 इंच वाले पीस में लगा दी। अब इसमें हम रनर डालेंगे, 2 रनर पड़ेंगे। इस बैग को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया था और पाइपिंग भी लगभग 1/2 मीटर कपड़े में कंप्लीट हुई है। पाइपिंग काफ़ी लगी है इसमें और 16 नंबर की सुई लगाई है, 60 नंबर की निडल यूज़ की गई है और फोम 6 mm की है और बाकी क्विल्टिंग जैसे की जाती है उस तरह से। तो अब इसको जोड़ने के बाद जो इसका हमारा दूसरा पार्ट है 5x27 इंच का पीस, उसको हम इसमें जोड़ देंगे। दोनों पीस सीधे रखेंगे इस तरह से, ये इधर सीधा रहेगा, ये इधर सीधा रहेगा, बीच में उल्टा रहेगा और इसको पाइपिंग से हम जोड़ेंगे। एक पीस तैयार हो गया। अभी हमारी सारी तैयारी चल रही है। अब हम लेंगे थिक फोम और 12x14 इंच का पीस। तो ये हमारा थिक फोम है जो पैकिंग शीट आती है वो, और ये हमारा इस तरह से इसको हम यहाँ पे रखेंगे, डबल करेंगे। ये हमारा 14 है ये, और ये जो कपड़ा है ये इधर से 12 है। तो इसको हमने इसको बीच में रखा
और इसको डबल कर दिया। इस तरह से इसको हम कवर करेंगे पूरा। और यहाँ से पहले हम चारों तरफ इसको सिल देंगे खूब टाइट करके। जो टेंशन है वो 5 नंबर पे रखिए, 3 नंबर पे मत रखिए, नहीं तो फोन पे नहीं चलेगी। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अगर उसी के नाप का कपड़ा लेते जो हमारा पास थिक फोम है तो हमको सिलने में थोड़ी दिक्कत होती, हमको पकड़ने के लिए मार्जिन चाहिए होता है थिक फोम के साथ। और अब इसको हमने कट कर दिया। अब इसमें हम यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे, बहुत हल्का सा देना है, किसी भी एक साइड निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब पाइपिंग लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। एक साइड पाइपिंग हमारी नहीं लगेगी। जहाँ राउंड शेप दिया था वहाँ पर राउंड शेप में पाइपिंग घुमाते हुए फिर लगाना है। अब इसमें फिनिशिंग दे देंगे। जो शोल्डर का जो पीस होता है वो तैयार हो गया। और इसमें अब हम 16 इंच के पीस में 16 इंच की बेल्ट में बक्कल लगा दी और ये 5 इंच के पीस में एक लूप लगा के इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसको अब हम यहाँ पर ये बक्कल सीधा रखते हुए इसको यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे। और ये जो डी लूप है ये नीचे रहेगा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से सफाई के साथ 3-4 बार अच्छे मजबूती के साथ सिल देंगे। इसको यहाँ पे हल्का सा 1/2 इंच फोल्ड करना है। और ये हमारा पीस इस तरह से तैयार हो गया। इसका दूसरा पीस मैंने ये पहले से तैयार करके रखा था, इसको आपको बना के दिखाना था इसलिए मैंने एक रखा हुआ था। तो ये हमारे दोनों पीस इस तरह से तैयार हो गए। अब इसको तैयार करने के बाद अभी देखिए हमारी सारी तैयारी चल रही है। अब हम जो हमारे पास 11x16 इंच का एक पीस था उसको लेंगे, सेंटर निकालेंगे, ये हमारा सेंटर है। और यहाँ पर ये जो 9 इंच की बेल्ट है हमारी इसको हम इस तरह से सेंटर में लगा देंगे इस तरह से। अगला काम है हमारा इसमें शेप देना है। इसको सिलने के बाद अब जहाँ पर ये लूप लगा है उसी तरफ से शेप देंगे। अब इधर से हम 3 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और ये हमारा 4 रहेगा। इसी तरह से इधर 4 है और इधर हम 3 लगाएंगे। और इस कॉर्नर से इधर 2.5 पर निशान लगाएंगे, ये हमारा 2.5 है। और इस जहाँ पर ये बेल्ट ख़त्म हो रही है इसको यहाँ पर हल्का सा इस तरह से कर देंगे। इसको बराबर कटिंग के लिए इसको हमें इस तरह से मोड़ना होगा और कटिंग देनी होगी। ये हमने कटिंग कर दी, ये शेप कुछ इस तरह से आ गया। अब जो हमने पॉकेट वाला तैयार किया था उस पीस को भी हम इसी के साथ रखेंगे बैक से, और इसको इस तरह से या तो इसके साथ रख के कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी जिप है, जिप और लूप इधर आना चाहिए हमारा, तो इसको सेंटर में रखते हुए बराबर से दोनों पीस हमारे बराबर होने चाहिए। और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो
कटिंग करने से पहले हमें यहाँ पे मशीन चलानी होगी। मशीन इसलिए क्योंकि जो हमने लाइनिंग लगाई थी वो हमारी खुल ना जाए। अब इसको हम कट करेंगे। एक पीस हमारा फ्रंट ये तैयार हो गया, ये हमारा बैक तैयार हो गया। अब बैक में हमें जो ये हमारा पीस है इसको जोड़ना होगा, शोल्डर वाले बेल्ट को। इसको हम हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे हमने राउंड शेप दिया है तो इसको हल्का सा, बस इतना ये 1 इंच से भी कम थोड़ा बाहर जाएगा और इसको हम इसके साथ ही सिल देंगे और इस बेल्ट के किनारे तक इसको हम मिला देंगे इस तरह से। और ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार होगा। और ये जो बेल्ट है जो नीचे लूप के साथ लगी है, ये हमने सेंटर निकाला है 11 इंच का 5.5 इंच पर, और इसको इस 5.5 इंच के बीच में, इस जो हमने पूरे 11 इंच का जो सेंटर निकाला उसके सेंटर पे इसको हम बीच में रख के सिल देंगे। और ये हमारे सारे पीस तैयार हो गए हैं और अभी इसको हम काटेंगे नहीं जब तक हम फाइनल नहीं सिल लेते। तो इसमें हमें जो हमने 22 इंच और 27 इंच की जो बेल्ट जोड़ के कंप्लीट की थी इसको जोड़ना है। तो ये जो हमारा जिप वाला हिस्सा है इसको बराबर रखते हुए इसका हम पहले सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है अब इस सेंटर को हम इसको पलट देंगे इस तरह से। और ये जो सेंटर निकाला था ऊपर वाली जिप का, इस सेंटर के साथ, ये जो बीच में जिप आई है इस सेंटर के साथ इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे और इसके साथ ही हम पाइपिंग लगाना शुरू कर देंगे। और पाइपिंग के साथ इस पूरी बेल्ट को इस पूरे पीस के साथ 11x16 वाले पीस के साथ जोड़ देंगे। और ये हमारा नीट एंड क्लीन काम हो गया। ये अभी हमारा फ्रंट इस तरह से तैयार हुआ है, ये देखिए। और अब इसमें हमें ये जो नीचे का कॉर्नर है ये देखिए, ये जो पॉकेट आई है ये झुक गई है, यहाँ जो नीचे का कॉर्नर है इसका हमें, जो हमने 27 इंच वाली पट्टी जोड़ी है इसका भी कॉर्नर इस तरह से कट करके निशान लगाना होगा। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब फाइनल इसको वापस हम मोड़ देंगे इस तरह से। और ये वाला जो पीस है जिसमें हमने ये बेल्ट लगाई थी कंधे वाली, उसको पहले हम बॉटम जोड़ेंगे। इसमें, इस पीस में हम पाइपिंग बाद में लगाएंगे। तो ये जो कॉर्नर कट किया है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे और पहले हम एक सिलाई चला लेंगे, उसके बाद इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। पहले बॉटम से जोड़ेंगे
अंदर बेल्ट वगैरह जो है सीधी रखें। और यहाँ पर ये जो हमने 9 इंच की जो बेल्ट लगाई थी ये, और यहाँ पर ये जो ऊपर की पट्टी का जो सेंटर है इसको हमें यहाँ पर पिन कर देना होगा, जिससे कि सारी फिटिंग सही आ जाए। और ये हमारा पीस जुड़ गया है और ये खड़ा हो गया। खड़े होने का मतलब कि ये एकदम परफेक्ट जुड़ गया है। और इसमें अब हम फाइनली ये जो हमारा शोल्डर वाला पीस था, थिक फोम वाला, इसको अब हम यहाँ पर शेप देके काट देंगे और अब इस पर हम फाइनली पाइपिंग चढ़ा देंगे। शुरुआत वही बॉटम से करेंगे। और ये हमारा बैग तैयार हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए, हमने कॉर्नर निकाल दिए और ये हमारा बैक तैयार हो गया। ये इसका बैक साइड आ गया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से ये छोटा बड़ा किया जा सकता है और यहाँ पे जो हमने थिक फॉर्म इस्तेमाल की है वो हमारे कंधे को आराम देगी। तो इस तरह से ये बैग हमारा तैयार हुआ। लेकिन हमने इसमें पॉकेट तो दी, 1, 2, 3, 4 पॉकेट दे दी। बॉटल केस अलग से हम मैचिंग का बनाएंगे। जो पॉकेट हमने यहाँ देनी थी वो हमने नहीं दी है। तो चलिए अब बॉटल कवर बना लेते हैं जल्दी से। तो 3x10 का, तो जो 3x10 का पीस है उसमें हम जिप लगाएंगे सेम प्रोसीजर में पाइपिंग देते हुए, क्योंकि मैचिंग है। और इसको इधर से लगाएंगे सीधी पट्टी रखते हुए, सीधी जिप रखते हुए इसको हम जोड़ देंगे। अब इसमें हम रनर डालेंगे। यहाँ पर रनर ऑप्शनल है, एक डालें या दो डालें। अब इसमें हम जो 3x3 वाला पीस है उसको लेंगे और पाइपिंग लगा देंगे। और ये इस तरह से हमारा पीस तैयार हो गया। अब इतना बड़ा हमें जो सर्कल चाहिए था जिसमें हमारी बॉटल आराम से चली जाए, जो सीधा सा तरीका है कि जब ये हमारा तैयार हो गया तो इसको किसी भी पेपर पे हम रख के इस तरह से कोई भी पेपर रख लेंगे और एक रफ पेंसिल से इसका इस तरह से शेप ले लेंगे पूरा इस तरह से, और इसको प्रॉपर गोल कर देंगे। एकदम सरल तरीका मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से पूरा ये हमने शेप ले लिया और इसी के हिसाब से इस तरह से सर्कल काट लें। ये देखिए एकदम बराबर से ये सर्कल आ गया है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट ले लें, ये ज़्यादा आसान तरीका है। चलिए अब इसके बाद ये हमने दो सर्कल भी तैयार कर लिए, हमारा ये भी तैयार हो गया। अब हम लेंगे 9x13 इंच का पीस।
अब इसको हम यहाँ पर हमने एक इलास्टिक भी लिखवाई थी और एक 10x10 का पीस लिखवाया था। तो जो इलास्टिक का पीस था वो मैंने इस तरह से जोड़ा और इसी 10x10 में 10x10 के इसमें ये कपड़ा रखते हुए मैंने इसको यहाँ पर इसको वापस इसमें रैप करके इसको सिल दिया है। और इसको अब हम सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 9 है, ये हमारा 13 है। तो जो 13 एरिया है उसका सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर निकाला और ये जो इलास्टिक के साथ जोड़ा था इसका भी सेंटर निकाला। सेंटर निकालने के बाद ये जो इलास्टिक वाला कपड़ा है उसका सेंटर यहाँ पे मिलाएंगे, पिन लगा देंगे और इसके बाद इसको यहाँ पर बाकी कपड़ा अंदर की तरफ लाते हुए इसको यहाँ सीधा इस तरह से इलास्टिक को भी यहाँ पे फोल्ड करेंगे और मशीन चला देंगे। अब जितना सेंटर से और ये जो सीधा कपड़ा सिला है बीच में जितना आ रहा है वहाँ पर हम एक आध प्लेट्स डालते हुए इसको हम सिल देंगे। 1, 2, 3 जितनी भी प्लेट आप डालना चाहें, जितनी भी आ रही हो, महीन मोटी पतली जैसे भी उसको डाल के सिल दें। इसको लगाने के बाद अब इसको हम सिल देंगे। अब एक सर्कल लेंगे, उसको जोड़ देंगे पूरा। अब दूसरा वाला जो सर्कल है हमारे पास, इसको तैयार करने के बाद जो दूसरा सर्कल है उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से, ये जिप नीचे रहेगी और इसको ऊपर लगाना है। तो इसको हम, इसको सिलने से पहले हमें एक छोटा सा लूप बनाना होगा उसी प्रिंट कपड़े का। और हमने एक डिटैचेबल हुक लिखवाया था उसको हम इसमें डालेंगे। पहले इसको ऊपर से पैक करेंगे फिर नीचे से पैक करेंगे। इसको इस तरह से पैक करने के बाद अब ये जो हमने पीस सिला था इसको इसमें हम, ये जो हिस्सा है जो जिधर ये पट्टी है, जिधर ये जिप है उधर नहीं, जिधर ये हमारा क्विल्टेड पीस है उस तरफ इस पीस को यहाँ पर ये दो पाइपिंग के बीच में लगाएंगे। यहाँ जहाँ जिप ख़त्म हो रही है इसके बीच में इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिल देंगे। और जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद अब इसको वापस हम उल्टा करेंगे और ये जो एक पीस हमारे पास क्विल्टेड बचा है इसको हम इसके साथ पूरा सिल देंगे। ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब ये जो जिप वाला पीस है इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। जिप हमारी सामने आएगी इस पॉकेट के साथ और इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। ये जो जोड़ आया है हमारा और इसमें जहाँ पे ये जिप ख़त्म हुई है और हमने 3x3 का पीस जोड़ के पाइपिंग लगाई थी उसके साथ मिला करके इसको जोड़ देंगे। ये हमारे सेंटर निकले हुए हैं। अब इसको हमें बस जोड़ना है और अंदर ध्यान रखना है कि इसमें डिटैचेबल हुक भी रखा हुआ है और हमारे रनर भी। तो बस अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो इसको हम सीधा करके इसके अंदर डाल देते हैं तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी इस तरह से।
बाहर करेंगे, ज़िप खोलेंगे और इसमें अब हम फिनिशिंग दे देंगे और इसको अंदर की तरफ दबाते हुए सिल देंगे। और ये हमारा बॉटल कवर कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम बॉटल रखेंगे। ये हमारी बॉटल दी और ये हमने पैक कर दिया और ये हमारा लूप हो गया, जो इस बैग में हम इस डिटैचबल के साथ इसको आसानी से लटका सकते हैं। तो ये देखिए हो गया ना हमारा कॉम्बो सेट तैयार। तो इस तरह से बैग बनाइए, बच्चों को खुश रखिए और गिफ्ट भी करिए, लोग खुश हो जाएंगे आपके कलाकारी को देख करके। तो हमें कितने पाउच मिल गए, अगर बॉटल नहीं रखना तो इसमें आप बहुत कुछ सामान रख सकते हैं। इसमें हैंकी भी रख सकते हैं, इसमें नैपकिन भी रख सकते हैं, बॉटल की जगह कोई अपना प्रोजेक्ट वगैरह का रोल भी रख सकते हैं, चार्ट पेपर वगैरह जैसे होते हैं तो उस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 फोर्थ पॉकेट हमको इसमें मिल गई, प्लस 2 पॉकेट इसमें मिल गई। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ ऐसे ही नया लेके मिलेगी। नमस्कार।